Okay, then welcome to the 1.5 days SFM planning strategy. So I hope FR exams were good, lengthy, easy, difficult. I don't know. मैं तो एग्जाम के पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, बट जो भी हुआ होगा आई एम श्योर आपने अपना बेस्ट दिया होगा. डिस्कस मत करना, अब जो हो गया है वो संक कॉस्ट है. एंड जैसे अपनी भाषा में होता है, संक कॉस्ट इज अ इररेलेवेंट कॉस्ट. तो अब रेलेवेंट क्या है आपके सामने जो दिख रहा है SFM, That is relevant. चलो आप इसको पॉजिटिवली कैसे 1.5 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे. आर बाय आर शेड्यूल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है. सो लेट्स क्विकली डिस्कस. हियर इट इज, यहां पे आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं. तो देखो पूरा 1.5 डेज में अपने को सारे चैप्टर्स कवर करने हैं. प्लीज डू नॉट डू द मिस्टेक ऑफ लीविंग इवन अ सिंगल चैप्टर. जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरीज, फॉर्मूला शीट, सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूं. तो प्लीज टेलीग्राम चैनल से वो चीज डाउनलोड कर लेना. एंड एक पूरा फोल्डर ही बनाया है SFM का. फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड ऑल ऑफ दीज PDFs फ्रीली अवेलेबल. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के कितने टाइम में क्या क्या कंप्लीट करना है. सो देखो, म्यूचुअल फंड्स एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज दोनों इंपॉर्टेंट है. अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते ही आते हैं फॉर श्योर. So, आते ही आप वो दोनों चैप्टर्स पिकअप कर सकते हो. म्यूचुअल फंड एक लाइट चैप्टर है, थोड़ा सा मोमेंटम सेट हो जाएगा, फिर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज. तो सर आप मैराथन में भी करवाओगे ना? द आंसर इज येस. सो डिपेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स लोग मैराथन से कंफर्टेबल है, दे कैन कंटिन्यू विद दैट. कुछ लोगों को सेल्फ स्टडीज में अगर कंफर्टेबल रहता है, यू कैन फॉलो दैट एज वेल. 2 नवंबर टिल लंच. अच्छा, और एक चीज प्लीज, अगर आपको मैजिक बुक चाहिए, ई बुक हम लोग की, वी आर सेंडिंग इट ऑन ईमेल. सो अगेन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दे दूंगा, उधर खाली आपको वो गूगल फॉर्म भरना है. यू विल गेट द ई बुक फ्रीली अवेलेबल टू यू. नाउ 2 नवंबर टिल लंच आपको, मतलब नेक्स्ट डे. सो अप्रोक्सीमेटली 12:30 को आप लोग सो जाएंगे. 7 o'clock स्टार्ट करना है, मतलब यू कैन टेक अ 1 hour नैप. 5 o'clock को आप एग्जाम देके, आई होप 6 o'clock तक घर पे पहुंच जाओ. 6 to 7 एक नैप ले लो, बिकॉज अब दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होगी. सो दिमाग को रीसेट करना जरूरी है. हाउ डू यू रीसेट योर ब्रेन्स? बाय हैविंग अ क्विक नैप. 1 hour विल बी सफिशियंट. तो उससे एक वापस फ्रेश एनर्जी आ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू स्टार्ट इन अ प्रॉपर मैनर. तो म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये दोनों चैप्टर करेंगे. फिर 2 नवंबर से ले में लंच तक का आपका प्लान होना चाहिए पोर्टफोलियो डेरिवेटिव्स एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन. दो हैवी एक सिंपल चैप्टर रखा है. 2 नवंबर में पूरा फॉरेक्स का फेज जो है पोस्ट लंच, विच इज फॉरेक्स, देन IFM, IRRM. बीच में मैंने एक गैप रखा है. यू कैन हैव योर लंच, थोड़ा सा आप तभी वापस से पावर नैप ले लो, कुछ बैकलॉग हो गया उस टाइम में कवर कर लो. सो दिस इज डेफिनेटली फीजिबल. सो बाय द 2 नवंबर, बाय द नेक्स्ट डे 11:30 तक, बॉस रात को 11:30-12 तक आपका पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो है वो कवर हो गए होंगे. इफ यू कैन सी नेक्स्ट डे, आई एम श्योर कुछ ना कुछ लैग बचेगा. तो जो भी बैकलॉग है वो आप 3 नवंबर को कर लेना. 8:30 to 11:30 इज वेन यू विल डू द थ्योरी पार्ट. सो ये प्लीज एक्सक्लूसिवली रखना थ्योरी के लिए, भूलना मत. कंपल्सरी 20 मार्क्स का थियोरी आता है. व्हेन आई एम सेइंग दिस, कंपल्सरी हर क्वेश्चन में 4-4, 5-5 मार्क का थियोरी आ रहा है, और हर क्वेश्चन में से एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है. तो 20 मार्क्स का थियोरी कंपल्सरी हो गया ना, क्या आप इसको इग्नोर कर सकते हो? द आंसर इज नो. सो 8:30 to 11:30 AM डू द थियोरी. प्लस मैं भी थियोरी के ऊपर एज यूजुअल, मेरा ऑलरेडी एक यूट्यूब पे रिविजन लेक्चर है. 2 नवंबर को मैं आप लोगों के लिए अलग से थियोरी के लिए, इफ टाइम परमिट्स, वापस से रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहूंगा. यू कैन वॉच दैट आउट एंड दैट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल. 11:30 AM फिर बाद में लंच, रिलैक्स एंड टाइम टू डिलीवर. सो क्या 1.5 डेज में पूरा पोर्शन विद एवरीथिंग कवरेज पॉसिबल है? द आंसर इज येस. बीच बीच में अगर कहीं पे कुछ अटको तो आप मेरे मैराथन लेक्चर्स देख सकते हो. पूरा ही अगर मेरे साथ मैराथन पे हो तो इट विल स्टार्ट बाय इवनिंग 7:15 PM. तो दैट इज व्हेन वी विल स्टार्ट एंड ऑब्वियसली विल ट्राई टू स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल. एज पर स्टूडेंट्स, आप लोग भी कमेंट में बताना आप लोगों को क्या चाहिए. बट कुछ स्टूडेंट्स बोले कि सर फॉर्मूला और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ में ही करवाते रहना, सो दैट जो आपका हम लोग मैराथन अटेंड करें, उस मैराथन के बाद हमारे को और कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, स्पेशली वो चैप्टर्स के लिए जो आप मैराथन में करवाने वाले हो. फेयर पॉइंट. सो विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर इट इन दैट मैनर एंड डिलीवर इट टू यू. सो आई थिंक वो काफी आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा. सो दैट इज हाउ आई विल
ट्राई टू डू। बाकी कुछ भी आपको चाहिए डू शेयर इट इन द कमेंट्स बॉक्स। एंड जैसा मैंने बोला टेलीग्राम से प्लीज गूगल ड्राइव, मैंने एक ड्राइव का लिंक दिया है वो प्लीज फॉलो कर लेना। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम टाइम पे करके जाने, बिकॉज सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो सर हर चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर करके जाने हैं वो क्वेश्चन, प्लस उसका सोल्यूशन का पीडीएफ, क्वेश्चन प्लस उसके सोल्यूशन का पीडीएफ है। तो साथ साथ में आपका सब चीज होते जाएगा। इसमें मैंने ट्राई किया है एग्जॉस्टिव कवरेज, तो जितना हो सकता है पूरा कवरेज करने का ट्राई किया है इस पीडीएफ में, एंड आई थिंक दैट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। उसी के साथ और एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें एसएफएम के पास पेपर्स प्लस थियोरी क्वेश्चंस है, सो आप इसको भी रिफर कर सकते हो। एंड उसी के साथ फॉर्मूला शीट, एग्जाम टाइम पे जब आपको अगर फॉर्मूला के क्विक रिविजन करना है, कुछ याद नहीं आ रहा है, आई थिंक दिस इज द शीट दैट यू कैन फॉलो एंड इट विल अगेन बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ये सब में काफी फॉर्मूलाज है वी नो, सो लेट्स यूटिलाइज दैट, राइट। चलो गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू रियली वेल। ये 2-3 दिन मैं हूं आप लोगों के साथ, कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, थ्योरी चाहिए और एनीथिंग एल्स, लेट मी नो, विल बी हैप्पी टू हेल्प प्रोवाइडिंग टाइम परमिट्स एंड इफ फिजिबल विल डेफिनेटली गो आउट ऑफ द वे। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, हास्ता ला वेस्ता।